गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लखन ब्लॉग। और आज आप देख ही रहोगे, आज हेलमेट चेंज है। और आज हम लोग जो है गुड़गामा फरीदाबाद के पास में जो है मांगर विलेज है, मांगर बनी, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं राइड पे। पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे कि हमारे एक मित्र हैं दिनेश, उन्होंने जो है बाइक ली है। और बाइक भी जो लिया है वो है मिटियोर, ठीक है। तो आज इसकी टेस्ट ड्राइव होने वाली है और व्लॉग भी हो जाएगा। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और हम लोग तीन जने हैं, तो उसमें एक अपना रीज़न तो बता ही दिया जाना माना जो नाम कबीर मैं और दिनेश। चलो चलते हैं, लेट्स गो, आगे मिलते हैं आपको, आगे का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, ये फरीदाबाद मैरोली रोड, और ये यहाँ हमें लेफ्ट, अगर हम गुड़गावा से जाते हैं तो हमें राइट जाना है, और यदि हम दिल्ली से या फरीदाबाद से आते हैं तो लेफ्ट। तो ये रोड जा रहा है मांगर बनी के लिए। तो मैंने रुककर मैंने कहा चलो बता दें, ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है, चलो बोर्ड पर जाके दिखाते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। खिलाखड़ी, गोज, कोट, ये सारे गांव आगे पड़ते होंगे। चलो आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों, ये है मांगर विलेज, और यूँ कहो दिल्ली गुड़गावा का हाई हिल, अरावली की पहाड़ी। और देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर जगह नज़ारा है। फोगी डे हो रहा है आज, पूरा फोग मान लो, चाहे फोग के अंदर जो है जो हाँ धुआं जो है ना अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। और ये भी यहाँ से भी वो है थोड़ी सी वो पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पहाड़ी सा एरिया हमारी जो है कन्वेंस रेस्ट करते हुए सही। फोक के साथ ना ये स्मोक भी है ना, ऐड ऑन हो रहा है। क्लियर दोस्तों, लगभग हम पहुंच गए हैं जंगल में, मांगर जंगल में। और अभी तक का रास्ता बहुत बढ़िया रहा, और कुछ आपको दिखाते हैं आप। ये वाला पैच थोड़ा ऑफ रोड है, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है। यहाँ पर ये कच्चा रास्ता है, और ये होद है जानवर को पानी पीने के लिए। मस्त अरावली को सही
सही प्रोटेक्शन यहीं पर ही मिली हुई है, इस बचाया हुआ जंगल है, मतलब हाँ। लोग यहाँ को बचाते हैं जंगल को। दोस्तों और अब हम बाइक से उतर चुके हैं और अब हम पैदल ही इस जो ट्रैक है इस पे चलते हैं। हमारे साथ एक नया मेंबर जो जुड़ चुका है, येरा, ये हमको फॉलो कर रहा है बड़ी देर से और भाई साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। वो देखिए मोर, बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर, काफ़ी पक्षी हैं काफ़ी। हम आपको आगे दिखाते हैं। वो देखिए दोस्तों मोनी बाबा ये सामने मंदिर है उनका, कुदरिया बाबा, और हमने यहाँ पर देखा है, देखिए बंदर भी हैं पर बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, सब पे राम लिखा हुआ है। कैसा लग रहा है पापा? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दिने से पूछो जी, बहुत मस्त एकदम। चलिए बंदर चलते हैं। ये तो कैसा प्रोटेक्ट कर रहा है, ये देखिए बंदर को भगाने में लगे हुए। हाँ ये है मंदिर, ये है वो मंदिर है गुदड़िया बाबा का समाधि। दोस्तों ये समाधि स्थल है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ यहाँ हवन वगैरह भी करते हैं लोग, वहाँ हवन स्थल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हवन स्थल है, ये मंदिर दिखाया था आपको, ये एक प्रकार से ऐसा स्थल है जो मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है। ऐसा ही बोलते हैं, यहाँ से कोई लकड़ी भी नहीं ले जा सकता। हाँ, लकड़ी भी लोड़ के नहीं ले जा सकता, लोड़ के जला नहीं सकते। हाँ। तो ये एक विशेष जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस जगह का महत्व नेचर को बचाने के लिए है, सेक्रेड है, मतलब सेक्रेड माने मतलब लोगों का वो है इस पे। यहाँ के गांव के लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और प्रोटेक्शन, हमको बोला कि मोटरसाइकिल बाहर कर दो, यहाँ पर जो पंछी वगैरह जो है वो डिस्टर्ब होंगे उसकी आवाज़ से। हाँ, और ये हमारा दोस्त जो ये अपना काम कर रहा है, देखो दोस्तों दूध पीता हुआ बछड़ा। हाँ, ऐसी मूर्ति आपने पहले शायद कभी नहीं देखी होगी, मैंने तो देखी नहीं। ये दिखाता है नेचर को, मातत्व को। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं और रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था तो वहाँ से निकल गए, अब घर पहुँच गए। और यदि आप ये वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे नए व्यूअर्स जो हैं इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर डालें, शेयर करें, जाएं वहाँ पर और वहाँ पर मांगर बनी जाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सबको। ओके, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय। We don't feel like throwing it all away.